सच की आवाज, सच आएगा सामने, झूठ होगा बेनकाब। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सच की आवाज में एक बार फिर से। मैं आपका दोस्त मंदीप सिंह इंसा का जुआ। तो आज हम जानते हैं बेरास्ता सौदा में जो महिलाएं अनुयायी आयु है बेरास्ता सौदा के प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा पर विश्वास करने वाली, तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आज भी वो क्यों बेरास्ता सौदा में आते हैं, क्यों उनका विश्वास संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा पर इतना बना हुआ है। तो हम आपको सीधे रूबरू करवा रहे हैं बेरास्ता सौदा के अनुयायियों से। आपका नाम क्या है? आप कहाँ से हो? टोहाना से। टोहाना से, तो आप कब से जुड़े हुए डेरास्ता सौदा? हमारे को 32 साल हो गए हैं, मैरिज हुई है तो हम 32 साल से ही जुड़े हुए हैं। तो आपके साथ साथ और कौन जुड़ा हुआ है? हमारी पूरी फैमिली का पूरा खानदान ही जुड़ा हुआ है। तो आप देख सकते हो, जो बताना है कि इनका पूरा खानदान ही डेरास्ता सौदा से जुड़ा हुआ। तो आप क्या कहना चाहोगे, 25 अगस्त के बाद कितना बदला है माहौल? हमारे को तो बदला हुआ, ऐसे लगता है कि इतना बदल चुका है कि पहले से भी दिन दिन रात चौगुनी उन्नति कर रहा है। हमारे को इतना दृढ़ विश्वास है कि हमारा ऐसा दिल करता है कि हम यहीं रह जाएं। पहले से भी एक हमारे को अपने सतगुरु की कमी जरूर महसूस होती है, लेकिन हमारे को यहाँ और तो कुछ भी महसूस गलत नहीं होता। बताया जाता है कि बेरास्ता सौदा के प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा तो बेरास्ता सौदा की करोड़ों साध संगत के दिल में बसते हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये तो हम सच ही कहेंगे कि हमारे रोम रोम में बसते हैं और सब संगत के पूरा रूबरू होते हैं। हमारे तो अपने घरों में, कल मेरे को अपने घर के फर्श में भी दर्शन हुए चाय पीते पीते को, और मैं देखती रह गई कि पिताजी के दर्शन हो रहे हैं, पिताजी के दर्शन हो रहे हैं। 5 मिनट मेरे को दर्शन हुए और लोप हो गए दर्शन दे गए। परसों हमारे गुड़िया को रोटी में दर्शन हुए हैं, और ये देखो कि मेरे पास उसने वीडियो भी भेज रखी है, पूरी सात संगत वीडियो देख रही है उस चीज को, पूरा रोटी में हजूर महाराज जी के दर्शन हो रहे हैं। तो इससे ऊपर हम क्या कह सकते हैं आपको? तो देख सकते हैं दोस्तों कि डेरास्ता सौदा के प्रेमियों को हर बार दर्शन देते हैं संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा। इनका विश्वास, इनका प्रेम, इनका प्यार इतना है संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के लिए कि जो दुनिया वाले कभी सोच भी नहीं सकते हैं। तो हम आपसे जानना चाहते हैं, आप साल में कितनी बार आते हैं डेरास्ता सौदा? हम साल में जहाँ हमारे को रोज ही आना पड़ता है, हम तो प्यार ही बैठे हैं। आज भी सुबह सुबह सोच हो आ गया, सदेशा लगा कि सेवा तो हम भाग आए। देख सकते हो कि डेरास्ता सौदा में इनको जब भी मौका मिलता है मानवता भलाई के कार्य करने के लिए, तो ये हर बार तत्पर तैयार रहते हैं। इनको तो बस एक मौका चाहिए कि किसी तरह मानवता भलाई के कार्य किए जाए। और आप सबको पता है कि डेरास्ता सौदा विश्व की मात्र एक ऐसी संस्था है जो इतने बड़े स्तर पर, जिनके की करोड़ों फॉलोवर है और इतने मानवता भलाई के कार्य करते हैं। और इनका मानना है कि अगर आज पूज्य गुरु जी यहाँ होते तो वो जो मानवता भलाई के कार्य 136 होते हैं वो शायद 200 के पार होते। तो साध संग जी आपसे भी निवेदन है, जो लोग सोचते हैं कि पूज्य पिताजी तो डेरास्ता सौदा में आए नहीं तो हम क्यों जाएं, तो इनका जज्बा और इनके प्यार को सैल्यूट है। इतना ज्यादा प्यार है आज भी इनके दिलों में पूज्य जूर पिता संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के लिए। तो धन्यवाद आपका। हम एक और डेरास्ता सौदा के साथ जुड़ी हुई महिला से जानने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कहना है। आपका नाम क्या है? देवी। देवी इंसा, कहाँ से हो? टोहाना से। टोहाना से। तो आज हम देखने को मिल रहा है कि आज डेरास्ता सौदा में टोहाना की बहुत ज्यादा साथ संगत आई हुई है, टोहाना और ब्लॉक कुआन की बहुत सी संगत आई हुई है। तो आज आप यहाँ पर क्या करने आए हैं? हम सेवा करने आए हैं। किस चीज की सेवा? छलिया की सेवा। तो आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से विनती करना चाहता हूँ, कृपया करके एक बार उधर कैमरा करें। तो आप देख सकते हैं आज डेरास्ता सौदा की साध संगत ने यहाँ पर बंसठियों की सेवा की है, जो कि बहुत मायने रखती है, क्योंकि बहुत से लोग अपने घर में भी ऐसा हार्ड वर्क नहीं करते जो कि डेरास्ता सौदा में आकर करते हैं। तो आपने पहले घर में ऐसा कार्य पहले घर में करते क्या करने आते? तो आप देख सकते हो डेरास्ता सौदा के अनुयायियों का इतना प्यार है कि जो कभी घर में भी ऐसा कार्य नहीं करते वो डेरास्ता सौदा में आकर करते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे साथ जुड़े। दोस्तों जानते हैं एक और डेरास्ता सौदा के प्रेमी से, वो क्या कहना चाहते हैं? आपका नाम क्या है? नाम तरसेम सिंह है। सही।
आप कब से जुड़े हुए डेरा सौदा से? 20 साल से। आपके घर में और कौन कौन जुड़ा है डेरा सौदा से? कौन? आप एक साल में कितनी बार आते हैं डेरा सौदा में? एक महीने में 2-3 बार आते हैं। तो आपको ऐसा क्या मिलता है आज भी डेरा सौदा में एक महीने में 3-4 बार आ जाते हो आप? यहाँ हमारे बच्चे पढ़ते हैं, गुड़िया पढ़ती है। जो पहले न्यूज वाले कहते थे कि ये स्कूल बंद हो गए, यहाँ ऐसा 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 कुछ नहीं है, हमारी गुड़िया यहाँ पर पढ़ती है। एक महीने में 2-3 चक्कर हमारे लग जाते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो जो मीडिया वालों ने दिखाया था कि लड़कियां सेफ नहीं है डेरा सौदा में, लेकिन उनको मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं डेरा सौदा जिंदगी की लड़कियां डेरा सौदा में पढ़ती है। तो यह उनको करारा जवाब है जो भी डेरा सौदा में लड़कियों की सेफ्टी के लिए सवाल उठाते थे। जानना चाहते हैं कि आप डेरा सौदा में इतना आते हो, कैलेंडर ले आते हो, ऐसा नहीं मिलता? हम बता जाऊंगा, जो खुशी जाऊंगा, चिंता ना करो, जाऊंगा। और हम दरबार से जुड़े रहेंगे, कुछ बोलते हैं, उन्होंने कुछ देखा ही नहीं, जो कुछ होता ही नहीं वो कुछ बोल रहे थे मीडिया वाले। हम आपसे जानना चाहते हैं पक्षी दिवस के बाद जो बेनफिट होता है हमारा विश्वास और बड़ा है। कल 1 जनवरी को हमारे घर पिताजी ने रोटी में दर्शन दिए हैं और हमने रोटी की फोटो भी उतारी है और व्हाट्सएप पे भी किया है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि डेरा सौदा प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी का डेरा अनुयायी हो, हर बार हर दिन कहीं ना कहीं दर्शन देते हैं, वो चाहे रोटी में हो या अलमारी में हो। जैसे कि गंगानगर की भी एक घटना सामने आई थी जहाँ पर की अलमारी में पूज्य गुरु जी ने दर्शन दिए थे और साथ संगत अपने गुरु के दर्शन करके निहाल हो रही है। तो दोस्तों हम आपसे विनती करते हैं कि जो भी आप डेरा सौदा के अनुयायियों पर सवाल उठाते हैं उनसे सावधान रहे, क्योंकि डेरा सौदा के अनुयायियों का मानना है कि जिसने भी वो चाहे कोई भी हो डेरा सौदा के खिलाफ साजिश की है या कुछ भी बोला है तो उनका हाल बुरा हुआ है, वो चाहे राजनेता हो या कोई भी हो। तो आपसे जानना चाहते हैं कि अब आप क्या कहना चाहते हो संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी के बारे में, कब आ रहे हैं वो डेरा सौदा में? गुरमीत राम रहीम जी तो पहले से ही विराजमान है, यहीं पर है और वो देखने वाला चाहिए, देखने की निगाह चाहिए, देखने की वो कैसी निगाह से देखता है और हमारे तो दिल में है। अपने मिशन पर गए, मिशन पूरा करके आएंगे, वो किसी के कहने से नहीं गए, अपनी मर्जी से गए और मर्जी से आएंगे। जैसा कि डेरा सौदा के प्रेमियों ने बहुत बार बोला था कि डेरा सौदा प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी अपने मिशन पर गए हुए हैं और उनको बहुत बार ऐसी भी वीडियोज बनाई गई, उनकी तुलना कभी भगवान श्री राम से की गई, कभी भगवान विष्णु से की गई, जिसमें कि बताया गया जिस तरह से भगवान श्री राम जी वनवास गए थे रावण का नाश करने के लिए, ऐसे ही डेरा सौदा के प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी रोहतक सुनारिया में गए हुए हैं, ऐसा ही कुछ करना है। डेरा सौदा के प्रेमियों का तो यहाँ तक मानना है कि वो एक ऐसा युग परिवर्तन करेंगे जो आज तक इस धरती पर किसी भी संत महात्मा ने या किसी भी महापुरुष ने नहीं किया होगा और ऐसे ही कार्य डेरा सौदा प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा कर रहे हैं। और डेरा सौदा विश्व की मात्र एक ऐसी संस्था है जो इतने बड़े स्तर पर इतने मानवता भलाई के कार्य कर रही है। तो दोस्तों यह जानकर हैरानी जरूर होगी कि अनेकों विश्व रिकॉर्ड बना चुके हैं डेरा सौदा प्रेमी, वो चाहे बल डोनेशन हो या ट्री प्लांटेशन कैंप। तो दोस्तों देखते रहिए सच की आवाज। धन्यवाद।
सच की आवाज, सच आएगा सामने, झूठ हो